नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। और आपको मैं आज बता रहा हूँ कि मार्केट प्लेस में हम बिडिंग कैसे करते हैं। तो बिडिंग के लिए सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे, ये हमारी फ़ाइल खुलती है तो हमने लिस्ट पर टिक करना है। फ़ाइल खोलने के लिए हमें पहले यहाँ पर टिक करना पड़ता है, उसके बाद आपकी ये लिस्ट आती है, तो लिस्ट को हमने टिक करना है। मैं इसको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे, ये देखो कि मैं ये सारी चीज़ें बेच रहा हूँ, मैंने सारी ऐसे ही लिस्ट की है। तो और हम और कैसे लिस्ट करेंगे, हम कैसे हम गोल अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये बता रहा है सर्विस, प्रोडक्ट एंड ब्लॉग। आप सर्विस देना चाहते हो तो सर्विस पर जाओगे, प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो प्रोडक्ट पर जाओगे, ब्लॉग है आपके पास तो ब्लॉग, प्रीमियम ब्लॉग को बेच सकते हैं। हम मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, पिक्चर में जाना है। और पिक्चर के लिए सबसे पहले हम पिक्चर कहाँ से करते हैं डाउनलोड, अभी मैं आपको, अमेजोन पर जाएंगे। तो मैंने एंटीवायरस बेच रहा हूँ तो मैंने एंटीवायरस को सर्च किया, उसके बाद मैंने इसको फ़ोटो को सेव कर लिया, इसके बाद मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। और फिर क्या किया, मैंने इस फ़ोटो को अटैच कर दिया। अब मैं फ़ोटो का अटैच करूँगा, ये एक है, मैं नॉर्मली दो फ़ोटो डालूँगा इसमें, एक या दो जैसा पॉसिबल हो। ये ट्रिपल यूज़र पीसी एंटीवायरस है। तो इसके बाद नीचे आता है नेम एंड डिस्क्रिप्शन, क्या चीज़ है, क्या है इसके अंदर, टाइटल डालना है, और फिर एक दो चीज़ें होती हैं, कैटेगरी डालनी है, सेटिंग डालनी है। अभी ये डाउनलोड हो रहा है, इंतज़ार करो। इसके बाद मैं आपको क्लियर बताता हूँ। अब इस वीडियो में आप सीख रहे हैं कि हम कैसे बिडिंग करते हैं, कैसे हम ये सीखते हैं, और वो प्रॉपर तरीके से। अभी देखो फ़ोटो अटैच होगी, इसके बाद अपने इस पर जाना है डिस्क्रिप्शन नेम, और इसमें हमने क्या करना है, इस पर जाना है। तो इसको फिर हमने क्या करना है, ये देखो ये बता रहा है ये ट्रिपल यूजी यूज़र एंटीवायरस है। तो इसको हमने क्या करना है, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल सी, या वैसे भी आप कॉपी कर सकते हैं। और फिर क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी आ गया। इसके बाद ये कह रहा है डिटेल, इसके बारे में डिटेल लिखो। तो इसको मैंने क्या करना है, अब इसके नीचे देखूँगा डिटेल दी होगी, डिटेल का अर्थ होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब इसको हमने क्या किया, कॉपी, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी। इसके बाद हमने इसमें टेक्निकल डिटेल भी दे सकते हैं, जैसे नीचे बता रहा टेक्निकल डिटेल है, कंट्रोल सी, क्योंकि मैं एक कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं आपको इसलिए क्लियरली बता रहा हूँ कि किसी भाई को प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे हम इसको क्या करते हैं, इसमें वी कर दो, ठीक है। और इसको क्या करना है, सेव। अब हमने वहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया। अब कहता है ये कैटेगरी क्या है, इसमें कैटेगरी है कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो मैंने कंप्यूटर और टेबलेट डाल दिया इसमें। डीवीडी भी डाल सकते हो, कि डीवीडी है इसके अंदर, प्लस मैं कंप्यूटर से, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ है तो मैं इसको कंप्यूटर डालूँगा। फिर सेटिंग, ये कहता है, अब मैंने इसका प्राइस रखा है $15 और इसकी मैंने शिपिंग रखी है $4। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, 7 दिन के लिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो जो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट रहने दो। फिर क्या करना है, अपने कंटिन्यू। अब तो अभी आप देखोगे ये डिटेल आ जाएगी नीचे, ठीक है। अभी मैंने इसको एरो को ऊपर किया, ये कह रहा है आई एग्री सेल, ये नीचे लिखा है लेफ्ट साइड सेल इट नाउ, ठीक है। ये मेरा अब कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या डालूँगा मैं, अगर इसमें कुछ सेव, मगर इसमें ये है कि आपको डालना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है, एक वर्ड की फाइल यहाँ सेव कर रखी है, सेलिंग एंड शिपिंग, ये देखो इस चीज़ को मैंने कॉपी कर लिया, और इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पर डाल देना शिपिंग डिटेल। मैं शिपिंग डिटेल डालनी, मैंने इसमें पेस्ट करूँगा। अब ये बता रहा है सेलिंग एंड शिपिंग इंडिया ओनली, प्रोडक्ट विल बी शिफ्ट बाई कोरियर 10 से 15 डे, कि आपका कोरियर के द्वारा आएगा और 10 से 15 दिन इसमें लगेंगे। फिर हमने सेव कर दिया। अब आप देखोगे कि ये हमारा प्रोडक्ट अभी लग गया है,
बेचने के लिए। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कहाँ लगा है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा तभी इसको वो करूँगा। तो हमारी फाइल सेव हो गई है, अभी थोड़ी देर में भी इसमें आ जाएगा। तो हमने ऐड बना लिया अपनी और इसको हमने इसमें डाल दिया। अभी एप्लीकेशन थोड़े 15-20 मिनट या आज के दिन में अप्रूव होकर आ जाएगी। ऐसे हम वो करते हैं, ऐसे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। अगर जिन भाइयों को अच्छा लगा होगा वो मुझे लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।